हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो पार्सल अनबॉक्सिंग का वीडियो। ये देखिए कुछ इतने पार्सल हैं जो कि मैंने संडे सेल पे मंगाए थे और सारे के सारे मुझे दो दिन में रिसीव हो गए थे। तो चलिए एक एक करके इसे अनबॉक्स करते हैं और इसका डिटेल में और सही रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट टाइम मीशो पर ये वायरल लिपस्टिक जो कि मुझे 141 रुपये में शो हो रही है, लेकिन मैंने ऑनलाइन पेमेंट की थी तो 118 रुपये की पड़ी थी। तो 118 के हिसाब से अगर एक लिपस्टिक का एवरेज लगाया जाए तो ये 15 रुपये की है। 15 रुपए के अकॉर्डिंग ये मुझे बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी, अगर आपने मंगाई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला पार्सल खोलते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह की लगेज हैं जो कि मैंने अपनी बेटी के लिए मंगाई थी। ये मैंने ऑर्डर की थी 9 से 10 साल के लिए, लेकिन 9 से 10 साल के बच्ची के लिए थोड़ी सी छोटी है। अगर आपकी बच्ची थोड़ी सी हेल्दी है तो दुबली पतली है तो चल जाएंगी, तो मुझे इसे रिटर्न करना है। और मैंने अभी 11 से 12 साल के लिए इसे दोबारा से रिप्लेसमेंट में डाल दिया है। पार्सल मुझे काफ़ी पहले ही रिसीव हो चुके थे, लेकिन गर्मी की वजह से इनका वीडियो मैं शूट नहीं कर पा रहे थे और साथ में ही रिटर्न की डेट भी आ रही थी। तो मैंने कहा चलो साड़ी का अगर इंतज़ार करेंगे, साड़ी पहन के वीडियो शूट करें तो वीडियो शूट ही नहीं हो पाएगा, इस वजह से मैंने मैक्सी में ही शूट कर लिए हैं। साड़ी की बात आ गई है तो चलिए साड़ी का भी अनबॉक्सिंग वीडियो दिखा देते हैं। ये मैंने मंगाई थी फ्लिपकार्ट से साड़ी, जो कि बहुत ही घटिया क्वालिटी की है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जो भी वीडियो है मैं एकदम रियल आप लोगों को जानकारी दे रही हूँ। वैसे ही आप लोग टाइम पास के लिए एक दो बार पहनने के लिए मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं, अगर डेली वेयर करने के लिए लेना चाहती हैं तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा, बहुत ही घटिया नहीं आई है। सेकंड है ये मेरा बैग जो कि मैंने मीशो से मंगाया था, जो कि मुझे बहुत पसंद आया है, लेकिन इसमें छोटी सी कमी है, इसमें मोबाइल के लिए अलग से कोई भी जिप नहीं है, तो ये थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगा। मार्केट वगैरह में जब भी हम जाते हैं और फ़ोन बजता है तो हम सारा अपना फोकस फ़ोन पर ही कर देते हैं, तो इस वजह से छोटा मोटा जो भी सामान है साथ में वो गिर सकता है। इस वजह से मुझे लगता है अगर फ़ोन के लिए अलग ही चैन हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब। और नेक्स्ट है ये मैक्सी जो कि मुझे ऑनलाइन पेमेंट के हिसाब से 198 या 99 रुपए की मिली थी। साइड में इसका मैं डिटेल वीडियो भी शेयर कर रही हूँ, मैंने वेयर करके भी दिखाई है, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी कंफर्टेबल लगी। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये मैंने मैक्सी के ऊपर से ही पहन ली थी तो इस वजह से इसका नेक दिख रहा है नीचे वाली मैक्सी का। क्वालिटी की बात करें रेट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है। और नेक्स्ट है ये मैक्सी जो कि मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाई थी, ये तो बहुत बेकार है। ये मेरे बाहर जो बिकने आती है ना 150 रुपए की, दो उनमें से थी, लेकिन मुझे ये 350 के करीब मिली थी, तो इस वजह से इसे तो मैं मना करूँगी अगर आप लोग लेना चाहते हैं। नेक्स्ट है ये कुर्ती जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी है और मैंने मीशो से मंगाई थी। इसके सारे स्क्रीनशॉट मैं साइड में लगाती जा रही हूँ, आप लोग रेट देख लीजिएगा। रेट के अकॉर्डिंग ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, साइज़ फिटिंग सभी अच्छा था, फैब्रिक भी अच्छा था, प्रिंट भी अच्छा था। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छी है, ले सकते हैं। नेक्स्ट मैंने मंगाए थे ये रील रखने वाले डब्बे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और बड़े डब्बे हैं। इसमें 40 रील बन जाएंगी और ऊपर सुई धागा रखने के लिए भी जगह दी है, अगर छोटी सी कैंची है तो वो भी रख सकते हैं। ये थी मेरी ऑनलाइन शॉपिंग, आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर